हे डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमपी ज्योतिषी जी के ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की 12 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहला डिस्कशन होगा नर्मदा रिवर का, जिसे हम लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं। नर्मदा रिवर राइज करती है अमरकंटक प्लेट्यू से और ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है बिटवीन द सतपुरा एंड द विंध्या रेंजेस। रिवर नर्मदा इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ओवर अ लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर। ये ड्रेन करती है अरेबियन सी एट द गल्फ ऑफ खम्बात इन गुजरात। सो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट शिप्रा रिवर, जो कि धर डिस्ट्रिक्ट से राइज करती है और जो मालवा प्लाटू है उसमें फ्लो करती है। ओके, फिर बात करते हैं चंबल रिवर के बारे में। वो ओरिजिनेट करती है नियर द स्लोप ऑफ विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश, नियर माओ। ओके, MHOW माओ। उसके बाद बात करते हैं बेतवा रिवर की। बेतवा रिवर भी विंध्या रेंजेस में ही राइज करती है नियर होशंगाबाद। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर का डिस्कशन है वो है सोन रिवर के बारे में। सोन रिवर ओरिजिनेट करती है अमरकंटक मध्य प्रदेश में और ये फ्लो करती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट थ्रू शादोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सोन रिवर इन फैक्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा आफ्टर यमुना एंड मर्जेस विद द होलियस्ट रिवर गंगा नियर पटना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं काली सिंध रिवर के बारे में। काली सिंध रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर एंड बिगेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। द रिवर राइजेस इन द विंध्या रेंज नियर द देवास डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बात करते हैं सिंध रिवर के बारे में। सिंध रिवर भी मालवा प्लाटू से ओरिजिनेट करती है इन द विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ताप्ती रिवर फ्लो करती है वेस्टवर्ड और ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में और ये ओरिजिनेट करती है मुल्ताई फॉरेस्ट मध्य प्रदेश से। ओके, उसके बाद बात करते हैं तवा रिवर की। तवा रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर और ये आपकी जो ओरिजिनेट करती है ये सतपुरा रेंज ऑफ बैतूल केनांद, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट करती है। और उसके बाद बात करते हैं केन रिवर के बारे में। केन रिवर आल्सो इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश